व्यवसाय का अध्ययन कक्षा 12वीं इकाई 5 अध्याय 7 के अंतर्गत हम संगठन का अर्थ महत्व प्रक्रिया एवं संरचना इसके बारे में जानेंगे। संगठन से क्या आशय है, उसकी परिभाषा क्या है, संगठन की विशेषताएं कौन सी हैं, संगठन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, संगठन के उद्देश्य एवं महत्व क्या है, संगठन की प्रक्रिया या संगठन के क्रमक जो कलम है वो कौन कौन से, तो इस अध्याय के अंतर्गत जो हम संगठन के बारे में जानेंगे कि संगठन क्या है। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का अर्थ। संगठन क्या है, जो समस्त व्यवसायिक उपक्रम से जुड़े हुए समस्त साधन है, तरीके हैं, प्रणाली है, पूर्ण सबको व्यवसायिक संस्था के विभिन्न अंगों को एक क्रम से एक सूत्र में बांधता है, तो उसमें आपस में सामंजस्य स्थापित करता है। तो संगठन जो है वो जो साधन सभी हैं पूर्ण सभी साधनों का मैत्रीपूर्ण संयोजन है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं और प्रत्येक अंग जो है उनका अलग अलग कार्य होता है, हाथ का कार्य अलग है, पैर का कार्य अलग है, मस्तिष्क का कार्य अलग है, आँख का अलग है, नाक का अलग है, कान का अलग है, तो सभी अंगों के अलग अलग कार्य हैं, लेकिन आपस में वो सब क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित हैं। तो ठीक इसी प्रकार से किसी व्यवसायिक संस्था में जो विभिन्न उत्पादन से जुड़े हुए कार्य हैं तो वो विभिन्न भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे कच्चे माल का क्रय, वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का विक्रय, वित्तीय व्यवस्था इत्यादि। इन सभी जो विभाग हैं इन विभागों के बीच में ऐसा प्रभावपूर्ण समन्वय जिससे उपक्रम के जो कार्य हैं बिना किसी कठिनाई के अपने लक्ष्य के प्राप्ति की ओर बढ़ते रहें वो कहलाता है संगठन। यहाँ उर्विक ने परिभाषा दी है, ये निर्धारित करना किसी उद्देश्य या योजना को प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्रियाएँ करनी आवश्यक हैं तथा इनको किस ऐसी श्रेणी में बांटना जिन्हें अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा जा सके संगठन कहलाता है। दूसरी परिभाषा है किसी सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। तो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो से जुड़े हुए संसाधन हैं उन सब संसाधनों का जो मैत्रीपूर्ण संयोजन है कि सभी आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करें वो संगठन कहलाता है। फिर सुलज के अनुसार, सुलज कहते हैं संगठन आवश्यक व्यक्ति, पदार्थ, यंत्र, उपकरण, कार्यस्थल और साज सामान का संयोजन है जो कुछ वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्रमबद्ध एवं प्रभावकारी ढंग से साथ लाए जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि संगठन क्या है, व्यक्तियों का समूह, जो उपकरण हैं, पदार्थ हैं, कार्यस्थल है और जो भी संसाधन है इन सब का क्या है, संयोजन है जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रमबद्ध ढंग से साथ में लाए जा रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उपक्रम द्वारा निर्धारित समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठन एक ओर तो विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है तथा दूसरी ओर कार्यरत व्यक्तियों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने की कला है। तो यहाँ हमने जाना कि संगठन का क्या अर्थ है, यहाँ हम देखेंगे संगठन की विशेषताएँ क्या है। जब भी हम संगठन की स्थापना करते हैं तो संगठन की स्थापना के पीछे कोई लक्ष्य या उद्देश्य का होना आवश्यक है। जब तक संगठन की रचना संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है, अतः लक्ष्य और संगठन जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। जब लक्ष्य या उद्देश्य स्पष्ट होते हैं तभी संगठन प्रभावपूर्ण सिद्ध होता है। फिर दूसरा, एक समूह के रूप में संगठन क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मिलकर कार्य करते हैं। एक व्यक्ति का होना संगठन नहीं कहलाता। फिर साधन के रूप में ना कि साध्य, संगठन एक साधन होता है ना कि साध्य, अर्थात संगठन के माध्यम से हम कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर संगठन जो है समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनाई जाने वाली व्यवस्था। फिर संगठन एक प्रक्रिया के रूप में, एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में संगठन का कार्य जो है इसमें जो कदम उठाए जाते हैं, जैसे सबसे पहले कार्य का हम निर्धारण करते हैं, फिर जो कार्य को हमने निर्धारित किया है उनको हम क्रियाओं का वर्गीकरण करते हैं, क्रियाओं का वर्गीकरण करने के उपरांत हम कार्य का विभाजन करते हैं, फिर जिनको कार्य हमने सौंपे हैं उन्हें अधिकार,
और दायित्वों का हम अंतरण करते हैं। तो ये क्रमिक प्रक्रिया के रूप में। इसके पश्चात औपचारिक संबंधों की स्थापना। संगठन जो है वो प्रत्येक कर्मचारी अधिकारियों के बीच दायित्व स्पष्ट किए जाते हैं। इसमें अपने उच्च अधिकारी व अधीनस्थों के क्या संबंध होंगे, कौन किसके प्रति जवाबदार होगा, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा, इस सबकी स्पष्ट व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पर एक औपचारिक संबंध होता है संगठन के प्रत्येक स्तर पर। फिर बात करते हैं नेतृत्व एवं निर्देशन। प्रत्येक संगठन में नेतृत्व एवं निर्देशन का होना आवश्यक है। नेतृत्व के निर्देशन में ही संस्था के कार्य संपादित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर जाना कि संगठन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम देखेंगे संगठन के जो सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों पर संगठन कार्य करता है। जैसे सबसे पहला है उद्देश्य की एकता का सिद्धांत। प्रत्येक संगठन का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। इसी के साथ विभाग और उप विभागों के भी उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि प्रमुख उद्देश्य और उप उद्देश्यों के बीच में एकरूपता या एकता होना चाहिए। तो संगठन का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, उद्देश्य की एकता का सिद्धांत। फिर दूसरा है कुशलता का सिद्धांत। संगठन ऐसा होना चाहिए जो उपक्रम को न्यूनतम लागत पर उद्देश्य या लक्ष्यों को प्राप्त करने के योग्य बनाए। इसमें मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का कुशल और बेहतर प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यह है कुशलता का सिद्धांत। फिर तीसरा है आपसी सहभागिता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत प्रबंधक को चाहिए कि आपस में मिलकर संगठन संबंधी समस्याओं का समाधान करने हेतु आपसी विचार विमर्श करना चाहिए। अर्थात इसके अंतर्गत जो भी संगठन से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी आपस में बैठकर जो भी समस्या है व्यवसायिक उपक्रम से संबंधित, उसका आपस में बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए। फिर स्थायित्व एवं लोचशीलता। संगठन में स्थायित्वता होने चाहिए जिससे उसमें निरंतरता बनी रहे। यदि संगठन में लोग आते जाते बने रहेंगे तो ऐसी स्थिति में निरंतरता में कमी आएगी। साथ ही लोचशीलता होनी चाहिए ताकि परिस्थिति अनुसार किसी परिवर्तन पर संगठन में परिवर्तन करना संभव। अर्थात यदि किसी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जिस स्थिति में भविष्य में होने वाले परिवर्तन यदि होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम संगठन में परिवर्तन कर सकें, तो लोचशीलता होना चाहिए। फिर अधिकतम दक्षता का सिद्धांत। ये हमें बताता है कि इसके अंतर्गत संगठन के प्रत्येक कर्मचारी की क्रियाएँ न्यूनतम प्रयास एवं अधिकतम कुशलता दक्षता के साथ उपक्रम को के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित होना चाहिए। अर्थात कर्मचारियों को चाहिए कि वो कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक कुशलता के साथ उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो ये अधिकतम दक्षता का सिद्धांत बताता है। फिर सरलता का सिद्धांत। संगठन संरचना जटिल न होकर सरल होने चाहिए जिससे सभी कर्मचारी समझ सके। अर्थात जो संरचना हम तैयार करते हैं संगठन से संबंधित, वो कैसी होना चाहिए, सरल होना चाहिए। फिर अंतिम है यहाँ मार्गदर्शन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत संगठन संरचना एक ऐसा वातावरण प्रदान करे कि प्रबंधक अपने अधीनस्थों को कार्य के प्रेरित करने हेतु उचित मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्रदान करे। अर्थात ऐसा वातावरण होना चाहिए कि जो प्रबंधक है वो अपने अधीनस्थों को कुशल मार्गदर्शन दे सके और उन्हें प्रभावित कर सके। इसके बाद हम देखेंगे संगठन के उद्देश्य क्या हैं और उसके महत्व क्या हैं। तो संगठन का जो उद्देश्य है, किसी भी व्यवसायिक उपक्रम के कार्यों के निष्पादन, उद्यम के परिवर्तन को गतिशील बनाने का मार्ग ये प्रशस्त करता है। संगठन का वास्तविक महत्व तभी है जबकि वह उपक्रम के अनवरत रूप से संचालित रहने व उसके विकास में सहायता करता है। किसी भी उपक्रम में संगठन की निर्णायक भूमिका होती है जिसका महत्व हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे सबसे पहला विशिष्टीकरण के लाभ। विशिष्टीकरण से तात्पर्य यहाँ पर है कि जब कोई व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्य को लगातार करता है तो उसमें के कार्य में विशिष्टीकरण का गुण
आ जाता है। तो संगठन के अंतर्गत जब हम किसी कार्य को किसी उपयुक्त व्यक्ति को सौंपते हैं तो वो उपयुक्त व्यक्ति लगातार उसी कार्य को करने से उसमें विशिष्टता का गुण आ जाता है और उसी का कार्य को करने से उसे अधिक अनुभव व दक्षता भी उसमें आ जाती है, तो उसके प्रयत्न से जो अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, यह है विशिष्टीकरण का लाभ। फिर प्रबंध कुशलता में वृद्धि, संगठन संरचना के अंतर्गत जो है प्रत्येक कर्मचारी के पारस्परिक संबंध, अधिकार, दायित्व निर्धारित होते हैं, तो यहाँ पर जो है फलस्वरूप सभी के अपने कार्य नियत होने से प्रबंध की कार्य कुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये प्रबंध कुशलता में वृद्धि। फिर मानवीय प्रयासों का अनुकूलतम उपयोग, संगठन संरचना के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का कार्य उसके अधिकार एवं दायित्व निर्धारित होते हैं जिससे मानवीय प्रयासों का अनुकूलतम प्रयोग संभव होता है। फिर हम देखेंगे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, संगठन के द्वारा सभी भौतिक एवं मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होता है। कार्य का उचित बंटवारा हो जाता है जिससे कि कार्य का दोहरीकरण समाप्त हो जाता है, कार्य की लीपापोती से बच जाता है एवं संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग को संभव बनाता है, कार्य के दोहरीकरण को यहाँ पर रोकता है। तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हम कर लेते हैं संगठन के माध्यम से। फिर समय व श्रम की बचत, संगठन जो है सदैव समय और श्रम की बचत की प्रक्रिया को अपनाता है, साथ ही संगठन प्रणाली को श्रेष्ठ बनाते हुए समस्त साधनों का उचित एवं बेहतर प्रयोग करता है। फिर उपक्रम के विकास व विस्तार में सहायक, संगठन के सिद्धांतों को अपनाकर ही अनेक उपक्रमों के आकार में वृद्धि के फलस्वरूप उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हमने जाना कि संगठन का उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है। यहाँ हम देखेंगे संगठन की प्रक्रिया क्या है। संगठन को एक प्रक्रिया कहकर पुकारा जाता है क्योंकि संगठन की स्थापना में क्रमिक रूप से एक एक कर कदम उठाने होते हैं। तो जब भी हम संगठन की स्थापना करते हैं, संगठन को बनाते हैं, तो उसमें बनाने के लिए हम क्रमशः जिन कदमों को उठाते हैं वो क्या है, प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम उद्देश्य की स्थापना करते हैं, तो संगठन की प्रक्रिया का प्रारंभ जो है उपक्रम के उद्देश्य एवं लक्ष्य के निर्धारण से होता है, अर्थात जब तक हमारे सामने उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम संगठन की स्थापना नहीं करते। संगठन का स्वयं का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता बल्कि वह उद्देश्य की प्राप्ति का क्या है, साधन है, अर्थात जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने का साधन कौन सा है, संगठन है। दूसरा है कार्यों का निर्धारण एवं वितरण, उद्देश्य के अनुरूप तय किए गए कार्यों का क्या किया जाता है, इसमें निर्धारण किया जाता है। जैसे संस्था की स्थापना की जाती है, आवश्यक पूंजी की व्यवस्था की जाती है, उत्पादन किस प्रकार का होना है ये तय किया जाता है, वित्त व्यवस्था किस प्रकार से होगी और वितरण व्यवस्था किस प्रकार से होगी, ये कार्यों का निर्धारण इसमें किया जाता है। फिर क्रियाओं का वर्गीकरण है, श्रेणियां हैं, जो भी कार्य हैं हमारे वह क्रियाएं हैं, उनको विभिन्न वर्गों में हम इस प्रकार विभाजित करते हैं कि एक प्रकार की क्रिया एवं वर्ग में आए, उसके बाद हम उन्हें श्रेणीबद्ध करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वित्त विभाग में वित्त से संबंधित सभी क्रियाओं का हम यहाँ पर श्रेणीबद्ध करते हैं। फिर उसी प्रकार से उत्पादन विभाग में उत्पादन से जुड़ी हुई जो भी कार्य हैं, क्रियाएं हैं, उन सभी को हम श्रेणीबद्ध करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा बिंदु जो आता है क्रियाओं का वर्गीकरण व उनका श्रेणी। उसके पश्चात बात आती है कार्य विभाजन की। कार्य विभाजन क्या बताता है कि समस्त जो भी हमारे कार्य हैं उनको श्रेणीबद्ध करने के उपरांत विभिन्न व्यक्तियों के कार्य निश्चित करने होते हैं जो उसकी योग्यता अनुसार तय किए जाते हैं और जो सौंपे गए कार्य के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हें कार्य सौंपते हैं, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो है उस कार्य के लिए उत्तरदायी हो जाता है जो उसे सौंपा जाता है। फिर उसके बाद अधिकारों को सौंपना, यहाँ पर जो है कार्य एवं दायित्व निर्धारित करने के उपरांत उन कार्यों को बेहतर ढंग से चलाने के लिए उन्हें उससे संबंधित अधिकार सौंपे जाते हैं। ये अधिकार जो हैं यहाँ पर अधिकार अंतरण के माध्यम से मुख्य प्रबंधक अपने विभागीय प्रबंधक को सौंपता है। तो ये अधिकारों को सौंपना, फिर भौतिक संसाधन व उचित वातावरण उपलब्ध करना,
यह कर्तव्य अधिकार व दायित्व सौंपने के लिए आवश्यक है कि कार्य के अनुरूप भौतिक संसाधन एवं कार्य करने का उपयुक्त वातावरण भी उपलब्ध कराए जाए ताकि मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग किया जा सके। तो संगठन के उद्देश्य के अनुरूप जो है यहाँ पर जो भी हमारे पास संसाधन है और जो वातावरण है उन सभी का उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। फिर समन्वय व संतुलन, उपक्रम में संगठन प्रक्रिया का अंतिम कदम जो है वो विभिन्न विभागों, उप विभागों, समूह एवं व्यक्तियों की क्रियाओं के मध्य समन्वय एवं संतुलन स्थापित करना है। इससे कर्मचारी को यह जानकारी होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर किन लोगों से मार्गदर्शन एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर हमने जाना कि संगठन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संगठन की स्थापना में क्रमिक रूप से जो कदम होते हैं वो क्रमशः जिनका अध्ययन हमने अभी यहाँ पर किया है। यहाँ पर कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। संगठन से क्या आशय है इसकी परिभाषा दीजिए, संगठन की प्रकृति अथवा विशेषताओं को लिखिए, तीसरा संगठन के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत उन्हें समझाइए, फिर चौथा है संगठन के प्रमुख उद्देश्य या महत्व को समझाइए, पांचवा है संगठन की क्रमिक प्रक्रिया को विभिन्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। तो यहाँ पर हमने संगठन से जुड़े हुए उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, संगठन के जो सिद्धांत हैं और संगठन के जो उद्देश्य, संगठन के जो